सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूँ इस समय जुहू में और इस समय दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जुहू में जितने भी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं उन सभी के घर। और इस समय मुंबई लोकल ट्रेन बंद है तो इसमें भाई बस से ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो भाई बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं बॉलीवुड के महान एक्टर अमिताभ बच्चन साहब के घर, जो कि रोड के उस पार में है। और ये रोड है वैकुंठ लाल मेहता रोड। और रोड के जस्ट उस पार में है अमिताभ बच्चन साहब के घर, जो कि घर का नाम है जलसा। तो भाई ये है वैकुंठ लाल मेहता रोड, और रोड के जस्ट उस पार में ये है अमिताभ बच्चन साहब का घर, क्योंकि वहाँ तक। और एक गेट यहाँ पे भी है और एक गेट ये है, और घर का नाम है जलसा, क्योंकि ये है पूरा घर अमिताभ बच्चन साहब का, जो कि जुहू में। पहुँच चुका हूँ धर्मेंद्र साहब के घर के पास में, जो कि इस साइड में है। और इसी घर में सनी देओल साहब और हेमा मालिनी जी रहती हैं। और इस घर का क्या नाम है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नाम लिखा हुआ नहीं है। ये है धर्मेंद्र साहब का घर, जो कि यह गेट है और ये वाला घर है। और इस साइड में कुछ फूल लगे हुए हैं, जो कि घर इस साइड का नहीं दिख रहा है और इतना घर यह दिख रहा है। थोड़ा साइड से भी दिखा देता हूँ मैं, शायद दिख जाए। यहाँ से इतना दिख रहा है। तो इस घर में रहते हैं धर्मेंद्र साहब और सनी देओल साहब और हेमा मालिनी जी। तो देख लीजिए यही घर है धर्मेंद्र साहब का। मैं पहुंच चुका हूं अजय देवगन साहब के घर के पास में, जो कि ये वाला घर है, जो कि ये गेट है। और इस घर में अजय देवगन साहब और काजल जी रहती हैं। और इस समय घर में कुछ काम चल रहा है, जो कि देख ही पा रहे होंगे ये। और ये गेट है और घर का नाम है शिव शक्ति। ये है अजय देवगन साहब का घर, ये वाला ये गेट है। और इस साइड में ये घर है, जो कि घर में कुछ काम चल रहा है। और इस साइड में ये सब झाड़ जैसा लगा हुआ, जो कि इसके कारण से घर सफ़ा दिख नहीं रहा पूरा। और ये वाला गेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है शिव शक्ति, जो कि घर का नाम है शिव शक्ति। और इसी घर में अजय देवगन साहब और काजल जी रहती हैं। और ये सब झाड़ जैसा ऐसा कुछ सब लगा हुआ है, इसीलिए घर पूरा दिख नहीं रहा है। और इस समय घर में कुछ काम भी चल रहा है। हेमा मालिनी जी का घर एक और है जुहू में, जो कि मेरे पीछे है। और घर का नाम है आदित्या। और भाई क्या कहते हैं, पैसा है तो सब कुछ है। हेमा मालिनी जी का घर, जो कि घर का नाम है आदित्या। और भाई धर्मेंद्र साहब के घर से काफ़ी खूबसूरत घर है हेमा मालिनी जी का, बल्कि वो भी घर हेमा मालिनी जी का है, लेकिन ये घर उस घर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। भाई मुकेश अंबानी जा रहे हैं क्या, लेकिन हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये है हेमा मालिनी जी का घर। और मेरे को लग रहा है भाई मुकेश अंबानी तो हेलीकॉप्टर पे उड़कर चले गए, अब क्या मालूम मुकेश अंबानी थे कि कोई और ही था। और एक गेट इस साइड में भी है, और ये वाला एक गेट और है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आदित्या, घर पूरा ये है। मैं पहुँच चुका हूँ जितेंद्र साहब के बंगले के पास में, जो कि ये वाला जितेंद्र साहब का बंगलो है, जो कि काफ़ी आलीशान घर बना हुआ है। और इनके घर का नाम है कृष्णा। तो अभी मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ जितेंद्र साहब के घर को। ये है जितेंद्र साहब का बंगलो, जो कि बहुत ही आलीशान बना हुआ है। और वहाँ पे गेट है और यहाँ पे कृष्णा लिखा हुआ है। और घर तो भाई बहुत ही आलीशान बना हुआ है, थोड़ा पास से चलकर दिखा देता हूँ।
तो भाई ये है जितेंद्र साहब का भाई बंगलो, जो कि बहुत ही शानदार दिख रहा है भाई। वाओ, और इनका घर का नाम है कृष्णा, जो कि ये लिखा हुआ है, और ये गेट है, और इसके जस्ट बगल में भी एक बंगलो बना हुआ है, जो कि वो भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और ये है भाई जितेंद्र साहब का बंगलो, जो कि भाई बहुत ही शानदार घर बना हुआ है जितेंद्र साहब का। पूरा मोबाइल का शोरूम है भाई, जो कि क्रोमा नाम से है, जो कि काफ़ी बड़ा शोरूम है, क्योंकि वहाँ तक है, क्योंकि वहाँ से लेकर वहाँ तक है ये शोरूम, जो कि काफ़ी बड़ा शोरूम है। और ये मोबाइल फोन का शोरूम है, क्योंकि आईफोन, सैमसंग, जो कि देख सकते हैं काफ़ी बड़ा शोरूम है ये। पहुँच चुका हूँ श्री श्री राधा राज बिहारी मंदिर, जो कि मेरे पीछे है, जो कि ये मंदिर जूहू में आता है। और एक चीज़ बता दूँ कि मैं जितने भी घर दिखाया है और मैं जितने आगे घर दिखाऊँगा, ये सारे घर जूहू में हैं। श्री श्री राधा राज बिहारी जी मंदिर, जो कि देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी मंदिर बनी हुई है, और एक मंदिर और उस साइड में बनी हुई है, जो कि वो दिख रही है, जो कि पीली कलर में दिख रही है, जो कि पूरी मंदिर तीन कलर में बनी हुई है, जो कि पीली, लाल और हरा, जिसे ग्रीन भी बोलते हैं, और काफ़ी शानदार मंदिर बनी हुई है। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार साहब के घर के पास में, जो कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है मेरे पीछे, इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं अक्षय कुमार अपने फैमिली के साथ में, और इस बिल्डिंग में जो टॉप फ्लोर है ये वाला, इसमें रहते हैं ऋतिक रोशन साहब, और मैं हूँ इस समय जूहू बीच पर। और इस साइड में देख सकते हैं समंदर की काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, और इस साइड में है अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन साहब का घर, और इस बिल्डिंग का नाम है प्राइम बीच। ये है भाई जूहू बीच, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और जस्ट इस साइड में यह बिल्डिंग है, जो कि इस बिल्डिंग का नाम है प्राइम बीच, और इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं अक्षय कुमार साहब अपने फैमिली के साथ में, जो कि ये दोनों फ्लोर पे अक्षय कुमार साहब अपने फैमिली के साथ रहते हैं, और उसके जस्ट ऊपर में ये टॉप फ्लोर पे रहते हैं ऋतिक रोशन साहब। और यह है बीच पे आने के लिए रास्ता है इस साइड से, जो कि ये गेट लगा हुआ छोटा सा,